आज की वीडियो में बात करेंगे आप घर बैठे कैसे अपने मोबाइल सिस्टम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो गरीबी रेखा का रहता है, जो बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन रहता है, उसको किस प्रकार अपने सिस्टम से ये आवेदन कर सकते हैं और कैसे अपना जो गरीबी रेखा कार्ड है वो आसानी से बनवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस लिंक पे, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपने दे दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि देख सकते हैं आप rcms.mp.gov.in। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, यहाँ पे आएंगे और इसमें हमें जो आवेदन करना है वो बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन करना है। ये बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन दो प्रकार के होते हैं, एक तो पंचायत स्तर से भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, दूसरा ये है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप जब करेंगे तो ये आपका पटवारी द्वारा यहाँ से आपको कार्ड यहाँ से बना के दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पोर्टल पाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखें हमें बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएल आवेदन, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला लिंक है, इस पर हम क्लिक करना है। और सबसे पहले मैं बताऊँ आपका ग्रामीण करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ग्रामीण की सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका जो समग्र आईडी है वो समग्र आईडी डालेंगे, परिवार का जो भी है। उसके बाद यहाँ पर अपना जिला डालेंगे, तो जो भी आपका जिला है वो जिला यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद समग्र से यहाँ पर जानकारी प्राप्त करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने जानकारी दी यहाँ पे परिवार की वो पूरा यहाँ पे आईडी यहाँ पे शो होने लगा है। उसके बाद देखें यहाँ पे फॉर्म, देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रति श्रीमान तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी हैं, फिर उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम जो है, उसके बाद आपका कोर्ट न्यायालय जो भी है आप यहाँ से चुन सकते हैं, नायब तहसीलदार तहसीलदार जो भी हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सब डिविजन जो भी है आपका, उसके बाद विकासखंड कोड नंबर, उसके बाद तहसील चुने यहाँ पे, फिर ग्राम पंचायत का कोड नंबर जो भी है, उसके बाद राजस्व निरीक्षक क्षेत्र जो भी है, उसके बाद ग्राम कोड नंबर, पटवारी हल्का, ग्राम चुने, उसके बाद जो भी उसका श्रेणी है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जाति जो भी सामान्य है, उसके बाद उसका पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे मकान नंबर, ये एड्रेस और यहाँ पर आवेदन करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर परिवार की जानकारी रहेगी। परिवार में जानकारी में आपको पूरा फिल भरना है, जितने भी हैं आपके परिवार में हैं, माता पिता हैं अगर, या आप हैं, आपके बच्चे हैं जो भी हैं, उनका पूरा यहाँ पे डिटेल लेके करके डोलेंगे और यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन करके यहाँ पे जोड़े करते जाएंगे। तो जितने भी परिवार आपके सदस्य हैं, दो तीन जितने भी हैं, उसको यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस पर आप टिक करना। तो यहाँ पर सबसे पहले परिवार की औसत मासिक आय, तो जितनी भी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, 500 से या 1400 जो भी, 1500 से 2500 जितनी भी है। उसके बाद अगर धारित भूमि है कुछ, उसके बाद ज़मीन है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो जो भी है। उसके बाद यहाँ पे देखें इंदिरा आवास में नाम है नहीं है, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो ना करेंगे। उसके बाद पेयजल की व्यवस्था कितनी दूरी पर है, 1.5 किलोमीटर के भीतर है या 1 से 1.5 किलोमीटर का, या फिर 0.5 किलोमीटर के भीतर पेयजल की व्यवस्था, जो भी आपके आधा जो भी यहाँ पर सुविधा उसको टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें सबसे पहले परिवार द्वारा धारित भूमि, तो अगर कोई ज़मीन है उसके नाम पर तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, असिंचित है सिंचित है, 1 हेक्टेयर है 2 हेक्टेयर है, 2 से 5 जितना भी हो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका मकान कैसा है, मकान कच्चा पक्का अर्ध पक्का जैसा भी हो। उसके बाद कपड़े कितने, उसके बाद 1 जोड़ी 2 जोड़ी 4 जोड़ी जितना भी है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद खाद्य सुरक्षा, तो वर्ष में कितने दिन वो खाना खाता है, या वर्ष भर प्रतिदिन एक समय भोजन उपलब्ध होता है, या दोनों टाइम खाता है, उसके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्वच्छता जो भी है, जैसे आपके पास शौचालय की व्यवस्था है, अगर खुले में है तो अनियमित जलापूर्ति, नियमित जो भी है, या निजी शौचालय, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें उपभोक्ता वस्तुओं का स्वामित्व क्या निम्नांकित धारित है, अगर टेलीविजन है, विद्युत पंखा, कुकर आदि उपकरण जो भी है, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अलावा यहाँ पर देख सकते कंप्यूटर, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पढ़ा लिखा कितना कितनी उसका पढ़ाई है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, प्राथमिक 10वीं पास, स्नातक जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर पारिवारिक श्रम का स्तर, बंधुआ मजदूर है, महिला है, बाल श्रमिक जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आकस्मिक मजदूरी जो भी जीवों का आवर्जन का जो साधन है वो क्या है, आकस्मिक मजदूरी, या वर्ष भर मई काम करते, या कोई शिल्पी है, या वेतनिक है, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चों का स्तर, 1 5 से 14 साल के बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आपके पास अगर हैं तो उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसको टिक करेंगे। उसके बाद देनदारी का प्रकार क्या है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अनौपचारिक या बैंकों के द्वारा आप लेन देन करते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद परिवार के गांव से बाहर गमन का कारण, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक करते हैं, मौसमी पर रोजगार के लिए जाते हैं, या जीविकोपार्जन का अन्य साधन के लिए जाते हैं, या गमन नहीं करते हैं, या गाँव में ही अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सहायता की प्राथमिकता जो भी है, स्वरोजगार, मजदूर, प्रशिक्षण, कौशल, अन्य आवश्यकता जो भी, आपको यहाँ से आपकी सुविधा अनुसार जो भी है इसमें आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी फोटो रहेगा यहाँ से फोटो आपका यहाँ पे सेलेक्ट करना, पासपोर्ट साइज का, उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे, आपको यहाँ से एक
आवेदन प्रिंट निकली जाएगा। इस प्रिंट के अनुसार आपका जो भी रहेगा वो आपके तहसीलदार नायब तहसीलदार के सामने आपका जो पेशी रहेगा, उसके बाद आप पूरा डॉक्यूमेंट के बाद आपको यहाँ से पटवारी के द्वारा यहाँ से आपका जो बीपीएल कार्ड है वो यहाँ पर बना के दिया जाएगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।